सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लोन बोल एफएफ। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको कुछ बताना है मेरे को। इस चैनल पे आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो, बिल्कुल भी व्यूज़ वगैरह सब डाउन चल रहा है। ऐसा कैसे चलेगा यार गाइस, कुछ तो दिखाओ यार भाई को। भाई के पास पर्पल क्रिमिनल है, ग्रैंड मास्टर पर भी टॉप 10 पर रह चुका हूँ। ऐसा मत करो यार भाई, बहुत मेहनत है। और हाँ, आज के वीडियो में कुछ अलग है। आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही चुके होगे किस बारे में वीडियो। तो मेरे मैच में आया था टोंडे भाई, गाय टोंडे भाई और टीजीआर अभिषेक, उसका पूरा स्क्वाड था टीजीआर का। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो गाइस, आप वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। और मैं गाय टोंडे को मार पाया नहीं मार पाया ये आपको मैं लास्ट में बता दूंगा पूरा वीडियो। तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और फटाक से जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने भी नहीं किया। और हाँ, जितना हो सके उतना शेयर करो यार भाई, प्लीज़। तो गाइस, हम लोग कर रहे थे रैंक पुश, बिल्कुल धुआंधार, बिल्कुल मतलब घुस के ही रैंक पुश कर रहे थे। उसमें पूरा घुस चुके थे रैंक में। और तभी आया गाय टोंडे भाई का पूरा स्क्वाड, पूरा तगड़ा स्क्वाड। लेकिन भाई अपन भी थारा भाई जोगिंदर क्लॉक टावर पर उतरे। तो गाइस, क्लॉक टावर पर उतर के बस हम लूट ही कर रहे थे। और देखो देखो, पूरा स्क्वाड उड़ा दिया भाई उसने, पूरा स्क्वाड उड़ा दिया गाय टोंडे ने। किलर मशीन बोलते हैं जो भी पड़ता है सामने, बस उड़ा ही देता है वो। जिसमें टीजीआर अभिषेक और उसके कुछ गिल्ड मेंबर भी होंगे, तो थारा भाई भी डरने वाला तो है नहीं उनसे बस। तो फिर हम लोग भी लूट करके उनको पेलने जाने वाले पेल, उसको पेल तो उससे पहले ही भाई हमारा जाटनी पेल गया। नूबड़ा है साला जाटनी। मैं गया वो लाइव स्ट्रीम देखने, मैंने सोचा गाय टोंडे लाइव होगा, बट वो लाइव था लेकिन और कहीं लाइव था, भूया पे लाइव था पता नहीं। उसके बाद भैया हमारे जोली भैया ही पट गए। इधर एक बंदा था, मैंने देखा ये इसको दो फटके हमारे पता नहीं क्या मार दिया भाई उसने। मैं इसके कोरोनों में गया और साले का कोरोनों को चटनी बना दिया पूरा। और बुकोंग चालू करके इसको मारा बढ़िया मस्त, मैं लूटने में लगा मेडिकेट मार के। उधर से उसका बंदा आया, मेरे को पेल के गया। अब बचे भाई हमारे जैसी, तो बस हमारे बड्डे भैया जय भैया बचे। और इनसे बोला कि बस हमको रिवाइव उठाओ, तीनों बंदों को उठाओ। तो ये लोग ये गए रिवर इधर रिम नाम पर और उस पर पॉइंट पे गए, जो भी है दिल पे हार्ट पे, और हमको रिवाइव करने लगे। बस थारा भाई बुल फिर से जिंदा हो गया और रिम नाम पे गया भाई। पहले लूट करेंगे उसके बाद ही कुछ करेंगे। गार्ड टोंडे और उसके उसके टीममेट जो भी उसको सबको पेल देगा थारा भाई करके। हम लोग निकले इधर मार सेलेक्टर का उधर से, और इधर बंदे थे भाई पिटने लगे हमारे टीममेट्स। ये गया जाटनी चूतिया, पहले ये ने पड़ गया और उसके बाद एक और पड़ रही थी जय भैया को। और इधर से एक बंदा देखा मेरे को, मैंने कहा मारू मारू मारू, बट पता नहीं कहाँ गया, शायद ऊपर था। फिर दो बंदे डाउन हो गए उसका पूरा स्क्वाड। तो टीममेट्स ने बोला कि भाई तू निकल, तो मैं बचा और जॉली बचा। तो मैं पीछे से निकल गया चुपचाप दबा के भैया अपनी जान बचा के। तो मैं इधर पानी से ऊपर जा रहा था, ऊपर देखा एक स्क्वाड, मेरे को लगा शायद ये गार्ड टोंडे का स्क्वाड। तो मैं जॉली के पास जा रहा था, मतलब झोपड़े में अंदर, तो झोपड़े में गया मैं। तो बस आप देख रहे हो टीजीआर अभिषेक पल रहा, गार्ड टोंडे पेल रहा, बस हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं। और बंदे देखो गाइस, थर्ड जोन है और बंदे 32 बचे, ये देखो गार्ड टोंडे हेडशॉट। तो फिर मैंने और जॉली ने सोचा कि थोड़ा बहुत पोजीशन बचा ले, रैंक तो बच ही जाएगा। अब गार्ड टोंडे मरे चाहे ना मरे, भैया रैंक बचेगा तो मतलब जान है तो जहान है बस। वो 26 बंदे बचे और जोन देखो कितना छोटा हो गया। और चारों तरफ बस धुआंधार गोलियां चल रही, कारगिल का युद्ध हो रहा है इधर। तो शॉर्ट रेंज में ही हम लोग कुछ कर पाएंगे, लॉन्ग में तो हमें 2v से पेल देगा भाई। जॉली भाई बोल रहा शॉर्ट रेंज में कुछ कर पाएंगे, मेरे पास तो दोनों लॉन्ग रेंज का गन है, छोटा कट्टा उससे केस को मारूंगा मैं। तो अभी थारा भाई बुल्फ ने पकड़ लिया था जोन इधर, लेकिन जोन फिर से नहीं बना साला। जहाँ बैठो उधर जोन बन ही नहीं रहा है, बस गाय टोंडे और वो मार ही जा रहा है। हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं कुत्तों जैसा, पूरा हालत हो गया कुत्तों जैसा, आप क्या बताएं। तो भैया मैंने सोचा ये एल से पकड़ लूँ, पर इधर तो भैया फोड़ाई पे लगी मेरी। इधर ही आ गया पता नहीं कौन सा स्क्वाड, तो वो मैं बुकोंग बन के ग्लू वॉल मार के मैं गया। मैंने सोचा अब ये दिखाएगा कुछ अपना बॉडी वगैरह तो मारूंगा इसको, बट वो दिखाई नहीं। तो मैं चुपचाप ऐसे ही होल्ड कर रहा हूँ, खड़ा रहा। मेरे पास शॉर्ट गन था ही नहीं एक, और पता भी नहीं चला पीछे से आ गया भैया। जॉली ने बताया नहीं मुझको, पीछे से बंदे ने मेरे को पेल ही दिया। तो शायद मुझे लगा गार्ड टोंडे का स्क्वाड होगा, पता नहीं किसने मेरे को मारा। और इधर जॉली हमारा थोड़ा और पोजीशन बचा रहा था, मतलब कि मानस ना हो बस इतना हो। गार्ड टोंडे मरेगा बाद में देख लेंगे, जिंदा रहे रैंक बचा तो गार्ड टोंडे बाद में मार लेंगे। तो ये जोन मतलब ऐसे ही बचाते रहा। और उधर गार्ड टोंडे भाई अपना मतलब शुरू से उतरते थे जो मारा उसने, तो लास्ट तक बंद नहीं हुआ भाई, लास्ट तक बंद नहीं हुआ, सीधा पेलता गया। अब इसके बाद भाई जोन में निकला सीधा लैग गया, पता नहीं टीजीआर के कोई बंदे ने पेल दिया। मतलब गार्ड टोंडे को हम पेलने वाले थे उसके स्क्वाड को, लेकिन उसने हमको पेल दिया।
तो ये उसका स्क्वाड पूरा जोन में पूरा अच्छा तगड़ा तगड़ा किल। ये 4 किल अभिषेक के, 1 किल ये चूतिए का, और 16 किल गाय टोंडे के। भाई देखो किलर मशीन है भाई ये लोंडा, इसको पकड़ो कोई भाई, इसको हैकर वैकर का दर्जा दो। और बस तो गाइस बस वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसकी तो 22 लाइक हो गई है, मेरी भी कर देना भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना।